हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदाम मारा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया लिंक। फ्रेंड्स, चैनल में नया विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपका फ्रेंड सर्कल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक LED बल्ब लेकर हाजिर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको उस LED बल्ब को देखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही है वो LED बल्ब। तो ये है ग्रेट वाइट का एक LED बल्ब। तो ये 9 वाट का LED बल्ब है। तो इस LED बल्ब को मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में फ्रेंड्स बने रहे और वीडियो में एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नया विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फ्रेंड्स आप फ्रेंड सर्कल पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पर अच्छी खासा ब्राइटनेस वाला एक LED बल्ब चाह रहा है तो इस LED बल्ब को आप ले सकते हैं। अगर 9 वाट का आप चाह रहे हैं तो इस LED बल्ब को आप ले सकते हैं। इस LED बल्ब 9 वाट का है। आप चाहे तो 10 वाट का या फिर जितने वाट है तो सारे वाट को आप चूज़ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा वाट लोगे उतने ज़्यादा आपको अच्छी तरह से रोशनी देगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का वीडियो। लेकर आज मैं हाजिर हो गया आपके सामने। आप खुद देख सकते हैं मैं इस वीडियो के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आप सही रहता। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रेट वाइट कंपनी का तरफ से एक LED बल्ब के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेट वाइट कंपनी का एक LED बल्ब है। इस LED बल्ब है 9 वाट का। तो इस 9 वाट का LED बल्ब के बारे में मैं बताऊँगा इस वीडियो में, इस बल्ब के बारे रिव्यू दूँगा और इस बल्ब के बल्ब को मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और उसके बाद इस बल्ब को मैं टेस्ट भी करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेट वाइट का कंपनी का लोगो यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर आप LED बल्ब है, ये LED बल्ब है, ये 9 वाट का LED बल्ब है। और यहाँ पर चाहे तो और बहुत कुछ देख सकते हैं, डिटेल्स वगैरह है आप पढ़ सकते हैं। चलिए मेन चीज में बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 स्टार मेंशन है। या 3 स्टार का मतलब जितने ज़्यादा स्टार होता है उतने ज़्यादा पावर सेवर होता है। तो ये पावर को सेविंग करता है अच्छी खासा। एक LED बल्ब है, ये कम इलेक्ट्रिसिटी दे अच्छी रोशनी देता है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी कम लेती है, ठीक है। तो कम इलेक्ट्रिसिटी से अच्छी खासा रोशनी देने वाली एक बल्ब है इस कंपनी में ग्रेट वाइट। तो 9 वाट का बल्ब है, ये मेड इन इंडिया। आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया, देख लीजिए मेड इन इंडिया। तो इसका MRP, पहले मैं इसका MRP बारे में मैं बात करूँ तो इसका जो MRP मुझे पड़ा, मैं इसको मैं लोकल मार्केट से परचेज किया। तो मुझे लोकल मार्केट से करीब 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 90 रुपीज़ में मिल गया। तो आपका लोकल मार्केट सब आप जाकर देख सकते हैं। तो आपका मार्केट पर क्या कितना दाम है ये मैं नहीं बता सकते, तो आप खुद जाकर देख सकते हैं। और आप चाहे तो ऑनलाइन पर आप सर्च करके देख सकते हैं, आप ऑनलाइन पर भी मिल जाएगा। तो Amazon पर भी आप जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं या फिर आप लोकल मार्केट से देख लीजिए। तो मैं इस बॉक्स में मेरा लोकल मार्केट से बाइक किया। तो फिर पहले कि तो बाल की डिटेल्स देख लेते हैं। तो बाद इस बल्ब से आपका बाड़ी में जो नॉर्मल होल्डर होता है B22 सॉकेट का जो नॉर्मल होल्डर रहता है, अक्सर सारे बाड़ी में जो नॉर्मल होल्डर किया जाता है वो है B22 सॉकेट का नॉर्मल होल्डर होता है। तो उस टाइप का नॉर्मल होल्डर पर इस बल्ब को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये B22 सॉकेट पर सपोर्ट करता है इस बल्ब। और इस बल्ब को मैं अनबॉक्सिंग, तो चलिए इस बल्ब को मैं अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बल्ब को अनबॉक्सिंग करने के बाद कुछ इस टाइप का लुक मिल जाती है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस पैकेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस बल्ब को चलिए 9 वाट का बल्ब है, आप देख लीजिए बल्ब को। तो 9 वाट का बल्ब है। तो इस बल्ब को मैं अपने अनबॉक्सिंग पर मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं मेरा टेस्टिंग होल्डर ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा टेस्टिंग होल्डर। तो ये स्विच कनेक्शन से
लगा हुआ है। अगर आप स्विच सर्किट बनाना चाहते हैं, इस टाइप का एक फेस्टिंग होल्डर स्विच सर्किट बनाना चाहते हैं, तो आप नीचे मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाइए और इस टाइप का एक स्विच सर्किट फेस्टिंग होल्डर बना लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए इसका ब्राइटनेस कितना प्रोवाइड करता है। तो मैं अभी इस दोनों लीड को एक शॉट करूँगा, तो मैं जब इस दोनों लीड को टच करूँगा तो स्विच बल्ब जलेगा, फिर देख सकते हैं बल्ब जल रहा है। तो इसका ब्राइटनेस आप देख लीजिए, अच्छे खासा ब्राइटनेस ले रहा है। आप चाहे तो बल्ब को ले सकते हैं, तो मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा लगा। तो आपको आपको कैसा लग रहा है वीडियो देखने के बाद, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट में देना है। और चैनल में नया विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बाल को मैं मेरा रूम का जो लाइट है उस लाइट को ऑफ करके मैं आपको अंधेरे में देखने के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए मेरा लाइट ऑफ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल देख सकते हैं मेरा रूम का लाइट जो है वो मैं ऑफ कर लिया। तो इसके बाद मैं इस बाल को टेप करते हैं, तो चलिए दोनों लीड को लगाते हैं। तो जैसे ये टच किया आप देख सकते हैं लाइट जलने लगा। तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए, भी कर लीजिए कि इसका ब्राइटनेस कितना अच्छा है। ये 9 वाट का बल्ब है, ग्रेट वाइट का। तो फिर चलिए मेरा रूम का जो लाइट है उसको ऑन कर देते हैं। तो फिर अभी मेरा रूम का जो लाइट है उसको मैं ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं। तो फिर सही है ग्रेट वाइट कंपनी का बल्ब जिसको मैं इस वीडियो में बताया। इस वीडियो आपको कैसा लगा? अगर फ्रेंड्स इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दीजिए। और वीडियो में नया विजिट किया है तो चैनल को जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलती है आगे वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट एंड बाय।